हेलो बच्चों, अभी हम चार का भाग देने वाले हैं। किसमें? एक में। तो इसको आप ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आप डिवाइड करते समय स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, यानी अपने डिवाइड की शुरुआत कैसे करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है। एक बच्चा जवाब दे रहा कि सर हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करके क्या देखेंगे, यहाँ किसका भाग दिया जा रहा है? चार का। क्या दी गई संख्या चार से बड़ी है? नहीं है। इसके आगे कोई अंक है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, ज़ीरो लिख देंगे। ठीक है, क्या किया हमने, पॉइंट लेकर इसको चार से बड़ा बना दिया। अब चार का टेबल कितनी बार लें कि दस से बड़ा ना है, लगाओ दिमाग। तो चार का टेबल हम दो बार लेते हैं तो कितना आ जाता है, भाग गया दो बार। जितनी बार टेबल लेंगे संख्या यहाँ लिखना है, फिर हमें घटाना है। दस में से आठ गया, कितना आ गया, दो। ध्यान क्या रखना है कि पॉइंट केवल एक ही बार लगाना है, उसके बाद घटाते जो संख्या आएगी इसके साथ एक ज़ीरो लिखते जाना है। अब चार का टेबल जैसे मैं लेता हूँ कितनी बार, पांच बार, कितना आ जाता है, बीस। घटाया क्या आ गया, ज़ीरो। ये आपका क्या है आंसर, भागफल। तो इसके बराबर क्या लिखते हैं, अपना भागफल कितना रहा है, 0.25। तो देखिए इसको आप ऐसे आसान तरीके से समझ सकते हैं।